तो दोस्तों हम आपको आज बताने जा रहा हूँ, अगर आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो और शॉर्ट वीडियो में आपको सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं और आपको व्यू भी पूरा हो जाता है जो 10 मिलियन का जरूरत होता है, टोटल 1 करोड़ की व्यू मांग की जाती है यूट्यूब। तो यूट्यूब के जब हम पूरे कर देते हैं, माना कि हमें 1 महीना अब कितने दिन होते हैं, 90 दिन, मगर 90 दिन छोड़ कर अगर अगले दिन होते हैं तो मैं कैसे अगर चाहूँ कैसे मोनिटाइज कर सकता हूँ। दोस्तों मोनिटाइज करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो यूट्यूब कैसे कोई भी वीडियो अपलोड करते हो या कोई भी व्यू कैसे वो गणना करते हैं हम आपको जो बताते हैं। तो दोस्तों जो 90 दिन में जो कोई भी वीडियो होता है, 90 दिन में जो वीडियो होता है, इतने दिन में अगर चाहता जैसे आज कितना तारीख है, जैसे मैं इतना तारीख से मैं जब सबसे पहले अपना सर्च कर लोगे तो आप अपना शुरू वाले जो अपना चैनल बनाए वो नहीं सर्च देखता है, हम जब क्रिएट करते हैं वो भी नहीं देखता है, हम वो ये देखते हैं कितने दिन में, अगर इसको अगर 90 दिन में अगर जितना अगर पूर जाता है टोटल वीडियो 1 करोड़ तो उसका पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब वो मोनिटाइज होता है। दोस्तों मोनिटाइज करने के लिए दूसरे को कंटेंट नहीं होना चाहिए, कभी भी दूसरे को कंटेंट नहीं होना चाहिए, ताकि अगर दूसरे कंटेंट होगा तो वह निश्चित है मोनिटाइज नहीं होगा। अगर अपना कंटेंट डालते हैं या कोई बिना एडिटिंग करते के दूसरे को वीडियो अपलोड कर देते हैं तो दोस्तों ऐसा वीडियो पर मनोज और भी बड़े यूट्यूबर बोलते हैं, जैसे कि मनोज देसव, ये यो यूट्यूब इसे काउंट नहीं करता है, ये व्यू काउंट नहीं करता है, रिप्रेस भी नहीं लेता है। तो दोस्तों जैसे कि हम बताते हैं तो 90 दिन में व्यू कैसे गणना करते हैं, 90 दिन में कैसे गणना करते हैं हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें यूट्यूब जैसे कि माना कर तैयार किया दिसंबर 2023 में 2022 में, जैसे मैं दिसंबर 2022 को हम अपना चैनल क्रिएट किए, जैसे कि और हमें कितना दिन आज तारीख है 17 तारीख, 17 मार्च, अभी कितना हो क्या हो रहा है अप्रैल, 17 मई, ठीक है 17, आज 17 मई है और 2023 है। तो दोस्तों यूट्यूब जैसे कि ये 9 महीना से बहुत अधिक हो चुका है, अगर चाहो तो अगर मोनिटाइज, तो हर एक चैनल ऐसा होगा तो मोनिटाइज नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, तो यूट्यूब कैसे गणना करते हैं, जैसे अपना कोई वीडियो अपलोड कैसे क्रिएट कर दिए, अपना चैनल क्रिएट किए और उसको करना क्या होगा, तो आपको किसी भी हालत में 90 दिन में आपको इतना व्यू 10 मिलियन शॉर्ट वीडियो में अपलोड करना ही पड़ेगा, आप इंक्रीज करना पड़ेगा यूट्यूब से। अगर आप इंक्रीज नहीं करते हो तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होता है। आपको अगर ये चाहते हैं इतना दिन में नहीं हो सकता है तो ये यूट्यूब गणना कैसे करता है, जैसे मेरा आगे दिन अगर जैसे आगे भी हो सकता है, तो जैसे मैं इतना दिन में नहीं हो सका तो ये 5 महीना हो चुका है और इसे 90 दिन यानी 3 महीना की आवश्यकता पूरी करने के लिए कहता है। तो आपको करना क्या होगा हम उसे बताते हैं, यूट्यूब की गणना करने के लिए यूट्यूब ये 2 महीना जो अभी बाकी है टोटल 90 दिन में ये आगे बढ़ चुका है, तो ये 2 महीना इसमें से माइनस कर देगा, जैसे इसको माइनस करेगा और इसमें प्लस कर देगा। तो जैसे मेरा अभी कितना चल रहा है, 22 दिसंबर चल रहा था, दिसंबर ये फरवरी जैसे 22 फरवरी से ये जोड़ने लगेगा, 22 फरवरी से जैसे जोड़ेगा और ये यहाँ पर से और इतना तारीख से जैसे काउंट करेगा तो ऐसा काउंट करेगा 17 तारीख से, ऐसा काउंट करें और ये इसको चाहता है 3 महीना, अगर और अगर और ये चाहता है तो फिर आगे दिन अगर हमें 90 दिन में पुराना है तो ये माइनस हो जाएगा हमारा व्यू भी और हमारा टाइम भी। तो हमें इतना दिन में अगर चाहता है कभी भी अगर साल हो 2 साल हो 5 साल भी अगर कितनों दिन हो तो चैनल मोनिटाइज होगा, लेकिन इसमें आपको 90 दिन में कभी कितना भी हो 90 दिन में आपको पुराना होगा 90 दिन में, अगर 5 साल पुराना भी चैनल आए तो वो 90 दिन में उसको करना होगा कितना, तो 10 मिलियन उसको व्यू करना होगा शॉर्ट वीडियो में। अगर शॉर्ट वीडियो में 90 दिन में अगर नहीं करते हो तो मोनिटाइज नहीं हो सकता है दोस्तों। तो आपको आज पूरी जानकारी